मस्ती वाला गाना पेश किया गया है। और मस्ती और मस्त के ऊपर एक छोटी सी बात याद आ गई। एक छोटे से किसान ने, मामूली से किसान ने, बड़े अनमोल वचन मुझसे कह दिए थे। कहे तो थे राजस्थानी के अंदर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टार वन के पर्दे के ऊपर कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी द ग्रेट चैलेंज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह समझ जाएंगे। मस्ती के बारे में उस किसान ने कहा था कि यो मजो भी गणी टेढ़ी चीज है। क्या मस्ती, मजा, मजा कहते ना यार, मजा। यो मजो भी गणी टेढ़ी चीज है, नी आवे तो करोड़ रुपया में नी आवे, ने आ जावे तो एक ग्लास ठंडा पानी में आ जावे। मजा ले ले। वेलकम टू सैटरडे इवनिंग वेस्ट कमान, एक बार फिर आपका स्वागत है सौम्या और चाची जी। थैंक यू। पिछली बार तो रितिका और सौरभ ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि वो जीत कर ही दिखाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ही दिन वो वापस पवेलियन में चले गए, बैक टू पवेलियन। और कैप्टन होने के नाते आपको ये सीट मिल गई, लेकिन ईस्ट की आन मैं आपसे पूछूंगी कि सेंट्रल की जान नीति प्रीति और अब सौम्या और चाची जी जैसी टीम के सामने आपको कैसा लग रहा है और आपके जोन वालों को कैसा लग रहा है? बड़े भैया डर लग रहा है क्या आपको शोमा और संजय के लिए? जी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, डरने की क्या बात है। फिर क्या लग रहा है? लगता है तो हम लोग ही जीतेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड। मैं सेंट्रल की जान और वेस्ट के मान के सामने जो स्थिति है वो बिल्कुल सेम है कि आप फर्स्ट सीड के खिलाड़ी हैं, मतलब आपके बाद अब आपके जोन को रिप्रेजेंट करने और कोई नहीं आएगा अभी तक की जो स्थिति है हमारे प्रोग्राम की। सो वुड यू लाइक टू एलाबोरेट इट कि कहाँ कहाँ चाक चौबंद और चौकन्ना रहने की जरूरत है सेंट्रल की जान? पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि और किसी की ज़रूरत है, हम लोग संभालेंगे अब सेंट्रल जोन की बागडोर और हम लोग सेंट्रल जोन को जिताएंगे। वेस्ट कमान, शौक तो लगा था क्योंकि हम रितिका और सौरभ पे बहुत रिलाई करते थे और जब वो फर्स्ट एपिसोड में आउट हो गए तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो जो था वो पास था। वो कौन से लम्हे थे जब रितिका और सौरभ को मारने का पीटने का मन किया था आपका? बिल्कुल नहीं ऐसा, मारने पीटने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। हाँ। तो जो हो गया सो हो गया, अब आज जो आज है और जो आने वाला कल है हमें उस पे ध्यान देना है। बहुत सही, वेरी वेरी गुड। नॉर्थ की शान, जैसा आप जानते हैं कि सेंट्रल की नीति प्रीति कितनी स्ट्रांग टीम है और वेस्ट के सौम्या और कल्पना जी हाईएस्ट स्कोरर रह चुके हैं, तो कितनी स्ट्रांग टीम है ये आप जानते ही हैं। ईस्ट भले ही थर्ड हाईएस्ट हैं आप ही की तरह, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आपसे बहुत बेहतर रहा है पिछले दोनों हफ्ते, मतलब ये दूसरा हफ्ता चल रहा है। इतनी स्ट्रांग टीम्स के होने पर क्या आपको कोई थ्रेट महसूस हो रहा है आज कि कहीं हमारी बारी ना हो जाए आज बाहर जाने में, ऐसा कोई डर या घबराहट? डर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डर के खेले तो क्या खेले, जब खेलना ही है मैदान में है तो पूरे जोश के साथ खेलेंगे और कछुए की चाल चल रहे हैं, खरगोश से आगे निकल जाएंगे। वेरी वेल सर। ब्यूटीफुल वीकेंड, ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग। पहला राउंड पेश आपके सामने करेंगे जिसका नाम है मैं हूं ना, और आज मैं हूं ना खिलवाने के लिए हमारे वेस्ट कमान, नॉर्थ की शान, सेंट्रल की जान और ईस्ट की आन, यानी कि चार जोन की चार टीमों को खिलवाने के लिए एक हमने डिग्निटरी म्यूजिक फील्ड के एक बहुत नामी गिरामी हस्ती को यहां पर आमंत्रित किया है। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई जतन के साथ हाजिर होऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। पहला राउंड मैं हूं ना में हमने जिस डिग्निटरी को यहाँ पर आमंत्रित किया है, अब वो मौका, वो घड़ी आ गई है कि बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें स्टेज पे आने की दावत दें। जैसे ही वो आए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री जतन का। जतन भाई, हम झूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के
जो हस्ती आज हमारे सामने खड़े हैं, नए दौर के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट म्यूजिक डायरेक्टर भाई जतिन, प्रोमिनेंट जिन्होंने सुंदर मधुर गीत, मतलब आपकी उम्र के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा रचा है। और मैंने अभी पूछा था ये गीत स्वर्गीय मजरू साहब का लिखा हुआ गीत है, मजरू सुल्तानपुर साहब। और जतिन जी अब स्टार प्लस पे आने वाले प्रोग्राम वॉइस ऑफ इंडिया के वन ऑफ द जजेस भी हैं, इसलिए वहां गाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रतिभा को दर्शाने का। जतिन जी, अपने कंपोज किए हुए गीतों में से या किसी और के गीत भी जो उन्हें बहुत पसंद हो, उसका मुखड़ा अंतरा जो गाना चाहे गा लेंगे। आपको गीत पहचानना है, बजर दबाना है। अगर उन्होंने मुखड़ा गाया तो अंतरा गाना है, अंतरा गाया तो मुखड़ा गाना है। +10 या -5, दो शब्दों की गलती माफ, 5 सेकंड का वक्त। राउंड क्लियर है? तैयार है खेलने के लिए? ये दिल नॉर्थ किशान मेरी सदा गाना बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन आपने दो अंतरों को जोड़ दिया, आपने क्रॉस गलत गाया। वो ऐसे कि आपने गाया मेरी सदा में बोले तू, ये कोई क्या जाने, गीत में तुम, साज में तुम, तू ही तू, नगमा कहां, ये इसका सही क्रॉस था। आपने जो गाया वो अंतरा है, दर्दे मोहब्बत के सिवा मैं भी क्या तू भी क्या, ये जमी हम आसमां हम, तू ही तू, अब हमें जाना कहां। दैट इज द राइट। और मीनिंग वाइज भी आपको समझ में आएगा, जब नगमे की बात करिए तो गीत में तुम, साज में तुम, तू ही तू, नगमा कहां। ठीक है, -5। अगला गीत मत होश दिल नॉट किशन शाबा अगेन ये रहते जगे गाना भी अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, सही नहीं गाया, अच्छा भी गाया। नॉर्थ किशन +10। तीसरा रूठ के हमसे ना चला था तो
सुरीले गीत है कि इसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम है, आपको भी मिलते हैं +10। देखिए साहब, राउंड यहीं पे खत्म होता है और सेंट्रल की जान, मुझे मालूम है आपके ऊपर थोड़ी सी आपत्ति नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम जो है अंताक्षरी, वो एक ऐसा कार्यक्रम है जहां सुर और गीतों की जानकारी दोनों का संगम का नाम अंताक्षरी है, लेकिन जहां पर सब कुछ इवैल्यूएट, सब कुछ मूल्यांकन, सारी तराजू 7 सुरों के पलड़े पर तौरी जाएगी, उस कार्यक्रम का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। स्टार प्लस के ऊपर शीघ्र प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया, जहां पर हर चीज का हिसाब किताब, जजमेंट होगा। आप संगीत के कितने बड़े पारखी हैं, आपके आवाज में वो जादू, वो कशिश है, वो रस है, वो सोज है कि नहीं है, अगर ये जानना है तो अपनी एक बार उस दरवाजे पे नॉक कीजिए। इधर खुले उधर खुले, चाहे जिधर खुले, आवाज बैठने को है, कोई तो दर खुले, जिनकी आवाज बैठने वाली। वेलकम बैक अगेन टू कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी द ग्रेट चैलेंज। झूम रहा है जर्रा जर्रा, बह रही है गीतों की नदियाँ, फाइनल्स के जोश में झूम रहा है इंडिया, हर अक्षर की धुन पे खेल रहा है इंडिया। और अब इंडिया खेलेगा तीसरा और आखिरी राउंड, जो काफी टाइट है पर कंट्रोल को लूज कर देता है, जिसका नाम है लूज कंट्रोल। सिर्फ एक मुखड़ा आपके सामने गाया जाएगा, जिस मुखड़े से अनु जी 10 सवाल निकाल कर पूछेंगे। सवाल सुनते ही बजर दबाकर गीत गाइए, +10 -10। वेस्ट से जुड़े हुए सवाल पूछूंगे, नॉर्थ से, सेंट्रल के ईस्ट से? या सर मैं बोलूं, आप इंडिया से जुड़े हुए सवाल पूछिए। अरे तो लड़के तो जनाब वेस्ट के मानने कहा कि इंडिया से जुड़े हुए सवाल पूछो, तो हिंट दे रहा हूं, किसी भी मोमेंट पर लूज कंट्रोल के 10 क्वेश्चन में तैयार रहना कि कोई भी देशभक्ति का एक गीत पूछा जाएगा। बी रेडी, ओके? हिंट दे दिया, पहले बोल दिया, ऑफिशियल हिंट दे दिया भाई, उसके बाद रोना नहीं कोई। कैप्टन्स अपनी टीम को, और जो कैप्टन्स यहाँ बैठे हैं उन्हें तो क्या सलाह दी जाए, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के कैप्टन्स, क्या आप अपने जोन को, अपनी टीम को मदद करना चाहेंगे? कोई ऐसी hint, कोई गुरु है, कोई गुरु मंत्र है जो देना चाहेंगे? आप देख रहे हैं किस तरह से रिस्पेक्टिव जोन के कैप्टन्स या टीम लीडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से अपनी टीम को हिदायत दे रहे हैं। लूज कंट्रोल का क्यू देने के लिए बुलाने जा रहा हूं ऑडियंस में से आप हर्षित, प्लीज कम, जोरदार तालियां हर्षित के लिए। हर्षित इज नॉट रेडी, ही वॉन्ट गेट एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी टू रिहर्स विद द म्यूजिशियंस, नो, जस्ट सिंग, स्टैंड देयर एंड सिंग अ सॉन्ग। Give the cue there. तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, के जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो के जहां मिल गया, के जहां मिल गया। हर्षित के द्वारा गाया गया गीत, जिस गीतकार ने लिखा है उसी गीतकार का लिखा हुआ एक देशभक्ति का गीत। चलिए हम फिदा, जान
जिसने लिखा है उनकी पुत्री के ऊपर पिक्चराइज कोई की सेंट्रल की जान, सेंट्रल की जान। हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सजा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। ये जिस गीत का ये संगीतकार की रचना है उन्हीं का संगीत किया हो कोई और किया जी इस क्या ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ये गीत जिस गायक ने गाया है उनके पुत्र के द्वारा गाया गया कि इस क्या ये जमीन गा रही है आसमां गा रहा है साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा ओके ओके ओके। स्वर्गीय राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत जिसका एक वर्ड आपके द्वारा गाए हुए गीत में छुपा है और जो है देशभक्ति का गीत। स्वर्गीय पांच सवाल हो गए अनु जी, ब्रेक का टाइम हो गया अनु जी, मैं नहीं पूछे दूंगी अगले पांच सवाल जब तक कि हम नहीं लेते छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अनु जी सॉरी आपको मैंने काटा, लेकिन अब आप पूछ सकते हैं आखिरी पांच सवाल। आखिरी पांच सवाल तो वो सवाल जो पूछ रहा था वो वैलिड नहीं है। नहीं लास्ट ब्रेक में जाने से सवाल पहले पूछा था कि आपके गाए हुए गीत के अक्षरों में एक अक्षर छुपा हुआ था, एक वर्ड छुपा हुआ था, शब्द छुपा हुआ था जहां पे एक देशभक्ति का एक गीत सुनाना था जिसकी रचना की हो स्वर्गीय राजेंद्र कृष्ण ने, आप नहीं बता पाए, वो पांचवा सवाल था जी। तो स्वर्गीय राजेंद्र कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ कोई गीत जो कंपोज किया हो स्वर्गीय राहुल देव बर्मन ने और पिक्चराइज हो खिड़की पे बैठे हुए किशोर कुमार के ऊपर। मेरे सामने वाली खिड़की में एक जान का टुकड़ा रहता है, अब सोच है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक जान का टुकड़ा जान सी महबूब महबूबा का जो अपोजिट होता है, ऐसा गीत सुना दीजिए महबूबा के वर्ड का अपोजिट है जो पिक्चराइज हो सुष्मिता सेन के ऊपर। सुष्मिता के सैन के ऊपर पिक्चराइज कोई भी गीत सुनाइए। सेंट्रल की जान अगर मिला था मिस यूनिवर्स का, उसी टाइम उसी पीरियड में दो साल आगे पीछे एक और अभिनेत्री को अवार्ड मिला था मिस वर्ल्ड का, उसके ऊपर पिक्चराइज को गीत सुनाइए। सेंट्रल की जान मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिल में रातों में खामोशी में बातों में बादल की बातों से बेचूं तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
इन्होंने गाना गाया हजार राहें, सही गाया। मैंने कहा इन जिन्होंने कंपोज किया है उनका गाना, तो आपने कौन सा गाना गाया पंचम? वो गलत था। ये जमी गा रही है, ये आसमा गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां, कौन सा है जी गाना? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ध्यान रखिएगा। और ये गीत स्वर्गीय राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, ठीक है? इतना राउंड खत्म हो गया है और आज की शाम भी खत्म हो गई है और रिप्लेसमेंट की बारी आ गई है। स्कोर्स हैं, वेस्ट कमान आज लीड कर रहे हैं और कल की शाम यानी रविवार की शाम प्लस 15 के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आज है वो प्लस 70 पर। वेरी वेरी गुड। सेंट्रल की जान ने एक छोटी सी गलती कर दी और लीड नहीं बना सके, माइनस 10 पाया एक गलत मुखड़ा गाके, अदरवाइज वो आज भी लीड कर रहे होते क्योंकि वो है प्लस 65 पर। ईस्ट कियान झलक दिखला जा राउंड में प्लस 30 पाने के बाद कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, एक गीत गाया वो भी गलत, लेकिन दूसरा सही गा के सब सफाचट होके आज शाम वो है प्लस 30 पर। और नॉर्थ किशन पहले राउंड में पहले अंतरे को गलत गा के दूसरे अंतरे को सही गा के प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस करा के प्लस 5 पर जम गए, थम गए और फिर कहा कि हम गए। फिलहाल तो वक्त है जो नाकामयाब हो गए हैं उनकी जगह कोई और आकर लें। नेहा और हर्षित, जैसा कि हमने गैस किया कि सुकांत और सुशांत आएंगे क्योंकि यही रीत चली आई है, सेंट्रल और वेस्ट ने भी यही किया, तो क्या मैंने सही गैस किया था? आप उन्हें भेजेंगे या खुद आएंगे झंडा फहराने के लिए? बिल्कुल, सुकांत और सुशांत अब अनु और स्वाति को रिप्लेस करेंगे। और ये कहना चाहूँगी कि नॉर्थ एक ऐसा खम्बा है जिसको कोई जल्दी उखाड़ नहीं पाएगा, तो अगर अनु स्वाति अब हारी हैं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सुकांत सुशांत बहुत अच्छा खेलेंगे और डेफिनेटली मेगा फाइनल तक हम लोग को ले जाएंगे। आज शनिवार की शाम नॉर्थ जोन की थर्ड सीड यानी कि अरोरा सिस्टर्स के गुडबाय की शाम, उन्हें रिप्लेस किया है, उनकी जगह पर आ गए हैं सुकांत और सुशांत, नॉर्थ जोन के ये दो ब्रदर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। देखिए जी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, पति हो या पत्नी हो, बीवी हो या मियां, हर अक्षर की धुन पर खेलेगा इंडिया। लेकिन जहां लगेगा सुरीले सुरों का तड़का, उस प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। स्टार प्लस के ऊपर आने वाला ये कार्यक्रम आप देखिए और पहचानिए कि आपके देश के अंदर संगीत के क्षेत्र में कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। आज की शाम का समापन करने के लिए मैं वॉइस ऑफ इंडिया के जज और प्रसिद्ध संगीतकार को आमंत्रित करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाई जतन का। जतन भाई, आंखें भी होती है दिल की
की सिर्फ इसी राउंड में टाइमिंग वाले राउंड में ही लोग बेताले होकर क्यों गाते हैं गाने? बिल्कुल सही बात है। और अगली बार से जो ही आप और हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि हमको अब लिरिकल एंड म्यूजिकल क्वालिटी भी चाहिए। आप केयरफुली देखेंगे लेकिन सर हमारी टीम तो हार जाएगी इतनी जरूर।